लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के बाद में अब सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने काम में जुटी हुई हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आते ही अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी राजस्थान के मुद्दों पर अब ध्यान देने लगे हैं। इसी के साथ साथ में फोकस अब आने वाले विधानसभा के उपचुनाव पर भी है। बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ में जो अन्य पार्टियां हैं वो भी आने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन सीटों पर लगातार बीजेपी कांग्रेस मंथन कर रही है। बीजेपी की रणनीति से ये बात तो साफ लग रही है कि बीजेपी इस बार पुराने चेहरों को ही तवज्जो दे, क्योंकि एक एक सीट जीतना बीजेपी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो वहीं कांग्रेस भी जिताऊ उम्मीदवारों पर ही नज़रें टिकाकर बैठी है और इन सीटों पर गहन मंथन चल रहा है कि किसको टिकट दिया जाए और किसको नहीं। एक तरफ बीजेपी जहां 5 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का भी यही दावा है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो अन्य पार्टियां हैं वो भी जीत के दावे करते हुए नजर आ रही हैं। इस बार सबकी नजरें टिकी हैं कि इन सीटों पर जीत किसकी होगी। राजस्थान के तमाम जनता की निगाहें टिकी हैं बीएपी पार्टी पर। भारत आदिवासी पार्टी ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से अब उस पर निगाहें टिकी हैं कि 84 उपचुनाव में उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि किसी भी पार्टी ने फिलहाल तो उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन तब भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बीएपी से उम्मीदवार राजकुमार रोत के लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद से 84 विधानसभा सीट खाली हो गई और इसी वजह से यहां पर उपचुनाव होगा। अगर 84 विधानसभा की बात की जाए तो ये चर्चा है कि भाजपा पूर्व मंत्री सुशील कटारो को मैदान में उतार सकती है, और इस बात की चर्चा खूब है कि कटारा का नाम लगभग फाइनल हो चुका है, बस घोषणा होना बाकी है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से बात सामने आई है कि पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा को कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है, और इसके अलावा बीएपी को लेकर चर्चा है कि पोपट खोकरिया को टिकट मिल सकता है। इसके अलावा बीएपी में एक और नाम की चर्चा है और वो नाम है अनिल चिखली का। अब देखना होगा कि इस बार के विधानसभा उपचुनाव में इनमें से कौन से नाम पार्टियां फाइनल करती हैं। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।